एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। हाल ही में हमारे एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल जी ने एक नोटिस जारी करा है जिसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़ा बदलाव करा गया। ये बदलाव 34 साल बाद आया है और क्या क्या है इस बदलाव में, कैसा है बदलाव, आ जानेंगे हम इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें वरना कोई आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5+3+3+4 क्या है ये कैसा बदलाव करा है, कुछ समझ नहीं आया होगा आपको, मुझे भी नहीं आया था मगर अब आ चुका है। तो देखिए ये क्या है, पहले हमारा जो बेसिस होता था वो 10+2 की बेसिस पे होता था, 10th+2 12th, मगर अब ये क्या है 5+3+3+4। 5 उन बच्चों के लिए है जो काफी छोटे हैं, जिन्हें अभी तक लिखना नहीं आया, जिन्हें अभी तक पढ़ना नहीं आया, जिन्हें अभी तक बोलना नहीं आया, मतलब नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकंड, ये 5 सेक्शंस को कंबाइन करके बना दिया गया है 5। अब 5 के बाद हम स्टार्ट कर सेकंड नंबर पे आता है +3। अब ये +3 क्या है, क्लास 3rd, 4th, 5th, इसमें बच्चों को चेक करा जाएगा कि कौन सा बच्चा किस चीज में ज्यादा बढ़िया है, क्या वो स्पोर्ट्स में बढ़िया है, क्या वो म्यूजिक में बढ़िया है, क्या वो डांसिंग में बढ़िया है, वो जिस फील्ड में ज्यादा बढ़िया होगा उसको उस फील्ड की तरफ ही भेजा जाएगा, जिससे हमारे जो विदेश के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो सकेंगे और अपने मन पसंद अपने अनुसार वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा बदलाव है मुझे लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगला है +3, ये दोबारा से +3, ये दोबारा से +3 का मतलब सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसका मतलब है क्लास 6th, 7th, 8th। इसमें बच्चों को जो भी सिखाया जाएगा वो मतलब डिटेल टाइप में सिखाया जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह इसमें सब कुछ इंक्लूड होंगी कि कंप्यूटर की कोडिंग्स एप्लीकेशंस कैसे डेवलप करते हैं ये सब बताया जाएगा। और आखिर में आता है +4, ये +4 क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह होता है कि जो भी बच्चा, जैसे कि अभी तक होता था अगर आपने साइंस लिया है या आपने आर्ट्स लिया है तो आप आर्ट्स के साथ मैथ नहीं ले सकते, आप साइंस के साथ हिस्ट्री नहीं ले सकते, मगर अब जिस बच्चे को साइंस के साथ साथ हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो ले सकता है हिस्ट्री में, और जिस आर्ट्स के बच्चे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो उस सब्जेक्ट को भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बदलाव हुआ है जिससे बच्चा अपने क्वालिटी के अनुसार कुछ भी ले सकता है, कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। ये इसमें इतना ही, अब हम बात करेंगे कॉलेज पे। आफ्टर कॉलेज, कॉलेज में क्या, कॉलेजों के भी रूलों में कुछ बदलाव करा गया है। पहले हमारा जो भी एडमिशन्स होता था कॉलेज में वो कटअप्स के तौर पर होता था, अगर जिस बच्चे की एडमिशन कम है मगर उस बंदे में क्वालिटी है, ये क्या है CAT, इसमें क्या फर्क पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्या ये फायदा देगा उन बच्चों को जिसकी परसेंटेज कम है? जी हाँ बिल्कुल देगा। अगर आपको कोई टॉप कॉलेज चाहिए और आपके कट ऑफ्स में मार्क्स नहीं आ पाते तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा मतलब फायदा होगा। जैसे अगर आपके मान लो कुछ 70% बन रहे हैं, 60% बन रहे हैं, मगर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें मिनिमम परसेंटेज आपकी 95 है तो आप उसमें नहीं ले सकते, तो आप इस एंट्रेंस टेस्ट को दे करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपके कटअप्स चाहे आपके मार्क्स उसमें कोई मैटर नहीं करते हैं, आपके मार्क्स में जो भी आपके 12th के मार्क्स होंगे CBSE बोर्ड के उसमें वो ऐड हो जाएंगे। और एक और बड़ा बदलाव करा है, वो काफ़ी दिलचस्प बदलाव करा है, जान लेते हैं। किसी इंजीनियरिंग के बच्चे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और उसे किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या वरना किसी भी कारण से उसे सेकेंड ईयर में अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब क्या होगा अगली साल, क्या वो दोबारा फर्स्ट ईयर से करेगा? अभी तक तो करता था मगर अब नहीं करेगा। अब सेकेंड ईयर कंप्लीट होते ही उसे एक डिग्री दे दी जाएगी जिसके बिहाफ पे वो अगली साल या आज से 5 साल बाद 10 साल बाद या बुढ़ापे में एंटायर लाइफ कभी भी वो आके दोबारा से 3rd ईयर ज्वाइन कर सकता है। उसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मेडिकल और लॉ में लॉ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, बाकी सारे कोर्सेज में है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप साथ में हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से रख सकते हैं कॉलेज में भी। यही कुछ बदलाव थे जो हमारे HRD मिनिस्टर पोखरियाल जी के द्वारा करे गए थे। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।